हमारा तीसरा प्रश्न है टेन ब्रैकेट में है लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई, इसको हमने वाई के बराबर मान लिया, माना वाई बराबर है दिया गया फलन टेन ब्रैकेट में अंडर रूट ब्रैकेट में लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई। अब इसको मैं एक्स के बराबर सोच लेता हूं, मान लेता हूं, तो ये टेन एक्स का रूप हो गया, फलन का फलन है, टेन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए dy by dx बराबर हो गया sec स्क्वायर ब्रैकेट में log अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर बेस e, और इसको मैंने x सोचा है तो इसका दोबारा से अवकलन करना है इनटू d by dx ऑफ log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई, जिसको मैंने माना उसका मुझे दोबारा से अवकलन करना है। टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स होता है, यहां पर टेन और ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको मैंने एक्स का रूप ले लिया, तो टेन ब्रैकेट में लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई, जिसको माना उसको दोबारा से अवकलन किया। अब यहां देखो ये लॉग एक्स का रूप है, log x का होता है 1 अपॉन x, इसलिए मान कितना हो जाएगा sec स्क्वायर log बेस e अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ गया, अवकलन हमें इसका करना है, log x का रूप है, log x का x के सापेक्ष अवकलन 1 अपॉन x होता है, इसलिए ये मान हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और यहां जिसको फिर माना उसको दोबारा से अवकलन करना है तो वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें दोबारा से अवकलन करना है, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स का, और इसका अब हमें दोबारा से अवकलन करना है। अब अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है, तो इसको अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये तो एज इट इज आ जाएगा sec स्क्वायर log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई, एज इट इज आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया, इसका अवकलन किया अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि ये इसको हमने x मान लिया है, इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन अचर पद है 0 होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, x की पावर n का रूप है, x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, इसलिए x स्क्वायर का अवकलन 2x के बराबर हो गया, तो हमारा मान क्या हो गया, पहला पद sec स्क्वायर log अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर बेस e एज इट इज आ गया, दूसरा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, अगला पद 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, 1 का हो गया 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ये हमारा आंसर आ गया, इसको व्यवस्थित कर लें, तो देखो 0 में 2x गया, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये भी है, अर्थात गुणा होके अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो मान क्या आ गया sec स्क्वायर log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई एक्स अपॉन ये वाला एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान दिए गए फलन का अवकलन sec स्क्वायर log अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई इंटू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा अभिष्ट मान है।